हेलो एवरीवन, इस पहले व्लॉग में हम चलेंगे जगन्नाथ मंदिर। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। डिस्क्लेमर, ध्यान से पढ़ें। तो गाइस, अभी हम हैं बिरसा चौक पे और ये रहा बिरसा चौक। यहाँ से हमें जाना है सीधे धुरवा सेक्टर 3, और यहाँ अगर आप लेफ़्ट लेते हैं तो आप पहुँच जाएंगे हटिया रेलवे स्टेशन। तो लेट्स गो। यहाँ पहुँचेंगे तो आपको दिखेगा JCS स्टेडियम 3 किलोमीटर्स, जगन्नाथपुर टेम्पल 3 किलोमीटर्स, वो राइट साइड में है। तो हमें अभी चलना है सीधे 1 किलोमीटर ऑलमोस्ट। सारी गाड़ियाँ बाईपास करते हुए, बट यूज साइकिल फॉर स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल। जगन्नाथ टेम्पल 2 किलोमीटर्स ऑन द राइट, तो यहाँ से हमें राइट लेना है। ये सारा मार्केट लगता है यहाँ पे, तो आपको ये पता चल जाएगा। सीधे आने पे आपको एक चौक दिखेगा, यहाँ से हमें सीधे चलते जाना है। और इस बंदे के शर्ट पे भी जगन्नाथपुर लिखा हुआ है, तो आपको डायरेक्शन का अंदाज़ा हो गया। तो हम ये पहुँच चुके हैं जगन्नाथपुर मंदिर। मुझे यहाँ पहुँचने में ऑलमोस्ट 24 मिनट्स लगे साइकिल से। तो जो मंदिर है वो हिल टॉप पे है, तो आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, और एक व्हीकल का भी रास्ता है जो आपको सीधा हिल टॉप पे मंदिर के एंट्रेंस के सामने ही लेके जाता है। तो हम यहाँ पहुँच गए मंदिर के मेन एंट्रेंस पे, और यहाँ से हम अंदर जाएंगे। तो आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे कुछ डिस्कशन चल रही थी, भीड़ कोरोना टाइम पे, नो मास्क, लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। तो ये मेन एंट्रेंस है, आई गेस आपको यहाँ से प्रतिमा दिख रही होगी भगवान जी की। यहाँ से मैंने अंदर जैसे ही प्रवेश किया तो सामने पंडित जी ने बोला कि कैमरा अलाउड नहीं है, तो मुझे कैमरा बंद करना पड़ा। सो आफ्टर दर्शन का ये वीडियो है, और ये जो एरिया है ये हवन वाला एरिया है। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ये वराहदेव की प्रतिमा है, और बाहर ऐसे बहुत सारी प्रतिमाएं बनी हुई है। ये मंदिर ठाकुर अनिनाथ सहदेव ने 1961 में बनाया था, जो कि दिसंबर 25 में कंप्लीट हुआ था। 6 अगस्त 1990 को ये टेंपल कोलैप्स हो गया था, लेकिन फेब 8, 1992 में इसे फिर से रिस्टोर करने का काम शुरू किया गया। जगन्नाथ मंदिर जो उड़ीसा में है एग्जैक्टली वैसा ही आपको आर्किटेक्चर यहाँ देखने को मिलेगा, और मंदिर भी उसी डिज़ाइन में बनाया गया है, बस थोड़े स्मॉल साइज़ का है। और यहाँ पे जो व्यू आ रहा था ये बहुत अच्छा था, ये आप सामने JCS स्टेडियम देख सकते हैं। और यहाँ पे नरसिंह देव की एक प्रतिमा थी। मंदिर में ऐसे 3 प्रतिमाएं हैं, एक वराहदेव, एक नरसिंह देव और एक वामन देव की। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़, और ये है वामन देव की प्रतिमा। तो आई फील लाइक ये मंदिर एक अद्भुत कलाकृति का प्रदर्शन है, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पहली बार आया था, और ये गेट पर्सनली मुझे अच्छा लगा। वैसे तो ये गेट नया है, लेकिन ये गेट का जो डिज़ाइन था ये अच्छा था। ये जो शिवलिंग है ये मेन एंट्रेंस के सामने ही है, और ये 2016 में बनाया गया है। और यहाँ पे किसी की शादी हो रही थी जो कि मुझे पता नहीं था, इसलिए इतना भीड़ है। और ये देखिए ये सारे बाराती जश्न का माहौल, और मैं यहाँ व्लॉग शूट करते हुए। और ये वो रास्ता है जिससे आप अपने व्हीकल से आ सकते हैं। Thank you.
गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।